मिट जाएंगे सारे दर्द और गम, दिल में शिव का नाम और जुबां पर बोल बम। सावन का सोमवार मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे शुभ और प्रभावी है। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। इस दिन खास तरीकों से शिव जी की आराधना करने से वो खुश होकर भक्तों की सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप संतान की बुरी आदतों से परेशान हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। शिव परिवार की संयुक्त पूजा करें, एक बड़ी सी माला पूरे परिवार को पहना दें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम आशुतोषाय नमः का जाप करें। ये प्रयोग हर सोमवार को करना उत्तम होगा। ये प्रयोग आपके संतान को गुणवान बना सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय धन संपत्ति का वरदान भी दिला सकता है। आइए आपको वो खास उपाय भी बताते हैं। शिव जी को 108 बार दूर्वा अर्पित करें। हर बार दूर्वा अर्पित करते समय मंत्र जाप करें। मंत्र होगा ओम दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय। आपकी धन संबंधी समस्या जरूर दूर होगी। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं महादेव और सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। आदिदेव महादेव के लिए संसार का कोई कार्य दुष्कर या असंभव नहीं है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव आराधना आपको मुकदमे और कर्ज से भी मुक्ति दिला सकती है। आप खुद ही देखिए। शिवलिंग पर कुश अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ये प्रयोग हर सोमवार को करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे सभी समस्याएं कम होती हैं। तो सावन के दूसरे सोमवार को प्रभु शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमयी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना और उपासना करने की।